गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूस्टी ब्लॉग्स। आज रायपुर सिटी में रेलवे स्टेशन सन होटल के पास से निकल गए हम दोस्तों हॉस्पिटल के लिए। मंजी का हार्ट का चेकअप के लिए जा रहे हैं दोस्तों, और वहीं सर्जरी भी होगा दोस्तों, तैयार होगा दोस्तों। वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों, और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना दोस्तों। फिलहाल ये हम लोग के सर्जरी के लिए जा रहे हैं दोस्तों, कि आप लोग के सपोर्ट से ही हमारी मुर्गी जल्दी से जल्दी हो जाएंगे दोस्तों। सर्जरी होगा फिर फिलहाल चेकअप चल रहा है दोस्तों, और हम लोग फिलहाल अभी रास्ता में दोस्तों जा रहे हैं हॉस्पिटल। हम लोग होटल से निकल चुके हैं दोस्तों, अभी जस्ट ऑटो में बैठे हैं और अभी फिलहाल रास्ता में है दोस्तों। देखिए रायपुर सिटी नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, नंबर वन सिटी है दोस्तों। ये रास्ता ये एम्स हॉस्पिटल की रास्ता रेलवे स्टेशन से सीधा राजनांदगांव रोड में जाना पड़ता है दोस्तों। आप लोग आइएगा तो यहाँ रेलवे स्टेशन के, अगर एम्स हॉस्पिटल जाना रहेगा तो दोस्तों बोलिएगा ऑटो वाला को कि एम्स हॉस्पिटल जाना है। फिर दोस्तों आप लोग को ऑटो वाले भैया सब आपको एम्स हॉस्पिटल इसी रास्ते में पहुंचा देंगे दोस्तों। अगर बाइक से जाना है तो इसी रास्ते में जा सकते हैं दोस्तों, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बीच में लिखा हुआ है ऊपर पोस्टर में गेट में आपको राजनांदगांव इसी रास्ते में जाना है, डायरेक्शन दिखाएगा दोस्तों, उसी में सीधा सीधा जाइएगा दोस्तों। उसके बाद सीधा आप हॉस्पिटल पहुंचा देगा दोस्तों ये वाले रास्ता। और यहाँ ऑटो की भाड़ा हॉस्पिटल के लिए 150 रुपये लगता है, और अच्छा रहेंगे ऑटो वाला तो 120 में भी छोड़ देते हैं दोस्तों, उसकी व्यवहार ठीक रहेगा तो भैया का व्यवहार एक नंबर है दोस्तों। हम लोग 150 रुपये में छोड़ रहे हैं, आते टाइम 120 में छोड़ देते हैं आप हम लोग को होटल दोस्तों। फिलहाल हम लोग रास्ता में ही है, कुछ ही 10-15 मिनट लगेगा दोस्तों, या 18-20 मिनट लगेगा से आपको हॉस्पिटल पहुंचने में। ये हॉस्पिटल नंबर वन हॉस्पिटल है दोस्तों, एम्स हॉस्पिटल, जहाँ हर पेशेंट का इलाज किया जाता है दोस्तों, हर बीमारी का होता है दोस्तों। नंबर वन के डॉक्टर सब दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों आप एम्स हॉस्पिटल रायपुर में ज़रूर आइएगा दोस्तों, कहीं भी इलाज वगैरह नहीं होते रहेगा तो ज़रूर पहुँचिएगा दोस्तों। लोग दूसरे जगह दिखा रहे थे तो वहाँ नहीं हुआ, उस कारण से यहाँ रिफर कर दिया है दोस्तों। उस जगह डॉक्टर सब बोले कि यहाँ हम लोग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि चांस नहीं दिख रहा है दोस्तों, खतरा है करके बोले डॉक्टर सब। इस कारण आप सबको अगर आपको भी प्रॉब्लम होगा तो आप भी यहाँ ला सकते हैं, इसी कारण हम लोग भी वहीं गए हैं दोस्तों, ले जा रहे हैं दोस्तों, और वहीं जाँच हो रहे हैं दोस्तों।
सर्जरी भी हो जाएगा दोस्तों, हम लोग को डॉक्टर सब भी लेकिन दिला दिए दोस्तों। जांच में समय ज़रूर लगता है लेकिन अच्छे से इलाज होता है इस एम्स हॉस्पिटल में दोस्तों, लेकिन इसीलिए बहुत दूर दूर से आते हैं। आपका छत्तीसगढ़ का सभी डिस्ट्रिक्ट का इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाते हैं दोस्तों, बीमारी का जड़े हॉस्पिटल कहते हैं दोस्तों, और इलाज भी अच्छे तरीका से होता है दोस्तों इस एम्स हॉस्पिटल में। बाहर से भी आते हैं दोस्तों यहाँ बहुत दूर दूर से, इसी कारण बहुत भीड़ रहता है दोस्तों और लेट से जांच होता है दोस्तों। जगह आपको हर डॉक्टर के पास बहुत भीड़ रहता है दोस्तों और उस कारण जांच देरी से हो पाता है और समय लगता है दोस्तों। आप लोग को भी ऐसे ही समय लगेगा, हम लोग को जांच करवाते टाइम बहुत टाइम लगा था दोस्तों, भीड़ बहुत रहता था। इस जगह अच्छा इलाज होता है, उस जगह रहता ही है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग रास्ता में हैं, तो अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं दोस्तों, बने रहेगा दोस्तों। हम लोग को मत रखना दोस्तों, लाइन में रहिएगा। मैं अभी ब्रेक करता हूँ दोस्तों, कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं दोस्तों। देख लीजिएगा ये रास्ता है, इतना सुंदर नंबर वन लग रहा है दोस्तों, सो ब्यूटीफुल रोड दोस्तों, बहुत सुंदर है दोस्तों, सफाई के मामले में नंबर वन है दोस्तों। देख लीजिए रास्ता नमकीन है, दोनों तरफ से रास्ता बना हुआ है दोस्तों, लाइन का है, एक साइड से टू लाइन का है, उस साइड भी टू लाइन का है, लेफ्ट साइड भी टू लाइन का है दोस्तों। और यहाँ रोड बहुत सीधा सीधा बना हुआ है दोस्तों, ताकि गाड़ी चलाने में मज़ा आता है और जल्दी भी पहुँच जाता है दोस्तों। रोड बना है नंबर वन, हम लोग को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं दोस्तों। आप सबको हॉस्पिटल को दिखाऊंगा दोस्तों, और अंदर का तो नहीं दिखा पाऊंगा, बाहर से सभी को दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अंदर में अलाउ नहीं है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, बाहर भी अलाउ नहीं है, पर बाहर में अलाउ है, पर अंदर में पार्क से वीडियो लेना भी नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आप सबको दिखाऊंगा पार्क का भी वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, और हॉस्पिटल को भी थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा दोस्तों। ये यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है तो लेने और वीडियो बनाने के लिए, इसी तरह सुंदर नजारा गेट बना है, बहुत सुंदर सुंदर, देख के मेरे को आनंद बहुत खुशी मिल गया दोस्तों। कुछ भी जगह बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा बना हुआ है दोस्तों, इस कारण बहुत मज़ा आता है और देखने में भी दिल को बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। देख लीजिए आपके नज़रों के सामने ही है सुंदर नज़ारा,
दोस्तों अभी कुछ ही पल में मैं पहुंचने वाला हूं, मैं और भांजी और जमाई और सिस्टर पहुंचेंगे दोस्तों, और ये भैया ले जा रहे हैं हम लोग को एम्स हॉस्पिटल। खुशी से मजे में गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों, ऑटो चला रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, लोग को चाहिए तो इलेक्ट्रिक ऑटो ले लेना दोस्तों, बहुत अच्छा है। भैया के पास इलेक्ट्रिक ऑटो जबरदस्त है दोस्तों, इलेक्ट्रिक ऑटो करने के बाद आ लूँगा दोस्तों। आप देखने के लिए आ सकते हैं दोस्तों, बहुत दूर दूर से भी देखने के लिए आते हैं इसका सुंदर सुंदर नज़ारा को दोस्तों। दोस्तों यहाँ कई प्रकार की देखने की जगह है दोस्तों, चिड़ियाघर है, फिर नंदनकान है दोस्तों। दोस्तों ये रायपुर का सिटी बहुत फेमस सिटी है दोस्तों, यहाँ पे कई सारा हॉस्पिटल भी है दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा, वहाँ सभी इलाज होता है दोस्तों। अभी लोग एम्स हॉस्पिटल जा रहे हैं दोस्तों, रास्ता में है, अभी पहुँचने वाले हैं कुछ ही पलों में, बने रहिएगा दोस्तों लाइन में। दोस्तों हम लोग कुछ पल में ओवर ब्रिज पहुँचने वाले हैं, फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड ओवर ब्रिज के बाद हॉस्पिटल पहुँचेगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग ये देखिए चौक पहुँच गए, उसके बाद ओवर ब्रिज चढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ कितना सुंदर सा नज़ारा गेट बना हुआ है दोस्तों, दोस्तों देख लीजिए बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों। दोस्तों आगे में ओवर ब्रिज है, सुंदर सा नज़ारा है दोस्तों, पार्क भी बना हुआ है देख लीजिए साइड साइड में दोस्तों। आप सभी यहाँ आते हैं तो ज़रूर एक बार घूम के जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग का भी दिल को सुकून मिलेगा दोस्तों, थोड़ा टहलने से मन की शांति होता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा टहल के ज़रूर जाना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा घूम लिए हैं,
हालांकि इलाज करवाने के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन जिस दिन डॉक्टर नहीं बैठा था तो खाली थे होटल में, तो घूम लिए दोस्तों। हम लोग अभी कुछ पलों में पहुँचेंगे, अभी नहीं पहुँच पाए हैं दोस्तों। तो रास्ता रेलवे स्टेशन से बहुत ही दूरी लगता है, लेकिन नज़दीक भी है दोस्तों। हम लोग ओवर ब्रिज देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों। इधर पार्क बना हुआ है खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए शाम शाम को जाते हैं दोस्तों गार्डन में, और अपना हेल्थ को स्वस्थ रखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग आ गए, ये देखिए ओवर ब्रिज, इतना सुंदर सा नज़ारा है दोस्तों, देख लीजिए। हरी और भिलाई दुर्ग और आपका राजनांदगांव जाता है दोस्तों, ये ओवर ब्रिज आपको ले जाएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों ये ओवर ब्रिज कितना अच्छा बना हुआ है और कितना लंबा ओवर ब्रिज है दोस्तों, देख लीजिए, बहुत सुंदर है दोस्तों। सफाई के मामले में नंबर वन है, हर जगह हर गली सफाई रहता है दोस्तों रायपुर सिटी, और क्योंकि मेन सिटी है तो रहेगा ही दोस्तों। और जिसको बोला जाता है दोस्तों रायपुर राजधानी बोला जाता है दोस्तों रायपुर को, दोस्तों देख लीजिए दोस्तों ओवर ब्रिज बहुत लंबा है दोस्तों। खत्म नहीं हो पाया है दोस्तों, देख लीजिए ओवर ब्रिज को चल ही रहे गाड़ी फिर भी खत्म नहीं हो पाया है, बहुत लंबा ओवर ब्रिज है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद और एक ओवर ब्रिज मिलेगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ये ओवर ब्रिज, अभी पार हो रहे हैं दोस्तों, पार नहीं हो पाए हैं, ओवर ब्रिज से नीचे नहीं उतर पाए हैं दोस्तों, अभी नीचे उतर रहे हैं। उसके बाद और एक ओवर ब्रिज मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ओवर ब्रिज के जस्ट बगल में बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है दोस्तों, हम लोग उतर गए ओवर ब्रिज से, कर ही गया दोस्तों, है नीचे आगे आ ही गया है दोस्तों, आ ही गए हैं, देख लीजिए यहाँ एम्स हॉस्पिटल 31 लिखा है दोस्तों ऊपर में। दोस्तों और एक ओवर ब्रिज चालू होने वाला है, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल जयपुर छत्तीसगढ़ दोस्तों। देख लीजिए और एक ओवर ब्रिज चालू हो गया हम लोग का, देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है, डबल रोड फोर लाइन का है दोस्तों, एक साइड का दो दो लाइन है दोस्तों, दोनों साइड है दोस्तों रास्ता, लेफ्ट राइट, इधर से आते टाइम लेफ्ट में इधर से जाते सेम, इधर से जाते टाइम इधर वाला लेफ्ट में जाना पड़ता है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों ये ओवर ब्रिज उससे भी कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, घर में बना हुआ है, साइड में पार्क वार्क बना हुआ है, देखिए दोस्तों कितना सुंदर है, ऐसे ओवर ब्रिज पहली बार देखा हूँ दोस्तों मैं, पहले कहीं देखा नहीं था, कहीं घूमने गया नहीं तो कहाँ से देखूँगा दोस्तों, ये देख लिया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मेरे दिल को, खुश हो गया दोस्तों ये ओवर ब्रिज से देख के, बहुत अच्छा से सजाए हैं, साइड साइड में फ्लावर वगैरह लग गया है, मेरा फेवरेट फ्लावर सब लगा हुआ है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग ओवर
पिच के बीचों बीच में है दोस्तों, अभी नीचे नहीं आ पाए हैं दोस्तों। अभी ओवर पिच समाप्त होने वाला है दोस्तों, पिच समाप्त होने वाला है, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचेंगे दोस्तों। दोस्तों ये है नीचे उतर ही गए ओवर ब्रिज से, आ ही गए दोस्तों हम लोग, जस्ट अभी हॉस्पिटल पहुंचेंगे थोड़े देर में दोस्तों। पहुंचने वाले ही हैं हॉस्पिटल, देखते रहिएगा दोस्तों, लाइन में बने रहिएगा दोस्तों। ये बीच में हम लोग के सामने कार आ गया दोस्तों, तो ब्रेक लग गया थोड़ा सा। दोस्तों ये देखिए हम लोग का एम्स हॉस्पिटल पहुँच ही गए दोस्तों, कार के सामने है, नहीं दिख पा रहा है दोस्तों, देख लीजिए एम्स हॉस्पिटल पहुँच गए, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। यही फर्स्ट एड्रेस है ना? दोस्तों यही खड़े कर दो तुम्हें हॉस्पिटल पर जा रहा हूँ दोस्तों। हम लोग पहुँच गए एम्स हॉस्पिटल और फर्स्ट नंबर वन गेट हॉस्पिटल। यह कितना होगा? कितना होगा? 150। दोस्तों भैया से 150 रुपये में आए ये यार, ऑटो वाले भैया हैं दोस्तों। ठीक, नंबर कर लो नंबर। ठीक नंबर, अच्छा दोस्तों ये गाड़ी वाला ये नंबर में हम लोग आए हैं, ये ऑटो किसी ऑटो में आए दोस्तों। ठीक है भैया, नाइस। तो हम लोग अंदर आ ही चुके हैं, गेट के अंदर आ गए हैं दोस्तों। देखिए इतना सुंदर सा नज़ारा, पार्क बना हुआ है दोस्तों, साइड में हॉस्पिटल है दोस्तों, इधर देखिए ये सभी हॉस्पिटल है दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ है दोस्तों, कई सारा फ्लोर बना हुआ है और कई सारा बिल्डिंग बना हुआ है दोस्तों। हॉस्पिटल का सुंदर नज़ारा देखिए,